समाज की अपनी एक परंपरा व अपनी एक मान्यता होती है। आइए जानते हैं ऐसी बलि परंपरा के बारे में जो कि राजस्थान में आज भी इसकी मान्यता है, जो कि प्रतिवर्ष नवरात्रि के बाद में बलि दी जाती है। मैं शंभु और ये है मेरा समुदाय। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जहां पर हर समुदाय अपनी अपनी परंपरा के अनुसार बड़ी धूमधाम से नवरात्रि कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। जैसे कि खटीक समुदाय, भील समुदाय, यादव समुदाय मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। वह इसके बाद में लोग अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के सामने बकरे की बलि दी जाती है। क्योंकि उनकी मान्यता है इससे उनकी सारी मनोकामनाएं व इच्छाएं पूरी होगी, इसीलिए अलग अलग जगह बकरे की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। जो बलि प्रथा है कितने सालों से चली आ रही है? ये तो कोई पिंडिया से चली आ रही है, आज उन्हीं जने जने राज साहब आया है अटे वनादन मतलब चालू है, जो भी राज साहब माने ला रहे लेन आया बलि तो ये देता आया ये आना ही करे माने। मैं बकरी की बलि लगभग 10 साल से देख रहा हूँ और इसलिए दी जाती है क्योंकि लोगों की जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए बकरी की बलि दी जाती है। और किस दिन दी जाती है? वो नवरात्रि के आखिरी दिन दी जाती है। मतलब कितने कितने मतलब बकरे आपके यहाँ मतलब बलि दी जाती है, कितने बकरों की? 2-3 बकरे। नहीं मैं इसको मानता नहीं हूँ यार, ये गलत तरीका है भाई। ये बलि चढ़ाना और नहीं चढ़ाना ये तो अपने अंदर स्वार्थ खाने पीने के लिए करते हैं लोग, बाकी कोई भगवान देवी देवता थोड़ी ऐसा कहते हैं कि हमको बलि चढ़ाओ तुमने ये करो। नाम देवी देवताओं का, मंदिरों का, माता जी के नाम का, और काम अपना करते हैं। जहाँ पर हमारा भारत एक तरफ मंगल पर जाने की क्षमता रखता है, वहीं पर आज लोग जमीनी स्तर पर अपनी परंपराओं में जीते हैं। मैं शंभुराज तंवर, राजस्थान के राजसमंद जिले के देलोड़ा गांव से, इंडिया अनहट के लिए।